नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज अहमदाबाद में। जोमेटो में कार्यरत कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। बुद्धि विहार इलाके में सभी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कहा कंपनी कर रही है हमारे साथ भेदभाव, समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो करेंगे आंदोलन। इधर कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा लगाए गए रात्रि कर्फ्यू का पालन की जाने की नगर मजिस्ट्रेट महिंद्रपाल सिंह ने किया अपील। कहा जनपद में कोविड-19 में मिले हैं 2 नए मामले, सभी से मास्क लगाने, भीड़भाड़ वाले स्थानों से परहेज करने की गई अपील। इधर अहमदाबाद के सिविल लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय गांधी पार्क में 5 दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित संवाददाता शिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक वैसिक संजय कुमार रस्तोगी ने पहुँच कर सभी शिक्षकों को किया संबोधित। 5 दिवसीय कार्यक्रम में जनपद संभल और जनपद अहमदाबाद के शिक्षक कर रहे हैं प्रतिवाद। इधर मोरवाद के आरआर के स्कूल में इंटर कॉलेज बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीआईजी शलभ माथुर, स्कूल के डायरेक्टर के मिश्रा, मैनेजर सलील कोठीवाल ने किया शुभारंभ। सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य वंदना छाबड़ा ने बताया मोरवा महानगर के सभी स्कूलों की टीमें कर रही हैं प्रतिभाग। समापन पर सभी को किया जाएगा सम्मानित। इधर मोरवाद की तहसील व थाना कांड अंतर्गत ग्राम महमूदपुर माफी के नागरिकों ने ग्राम प्रधानों के साथ कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। आपसी झगड़े का फैसला कराने वाले प्रधान प्रतिनिधि के साथ क्षेत्रीय थाना पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का लगाया आरोप। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। इधर समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा की मोरवा जिला इकाई ने जिला अध्यक्ष मुख्तार हुसैन एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी को संबोधित। नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन। अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने, अधिवक्ताओं को सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने की उठाई मांग। इधर मोरवाद के सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित। वर्ष 2020-21 के हाईस्कूल इंटर के टॉप 10 छात्र छात्राओं को टैबलेट और धनराशि देकर किया गया सम्मान। प्रदेश की लिस्ट में मोरवाद के 2 विद्यार्थी को टैबलेट व प्रति विद्यार्थी 1,00,000 रुपए का चेक देकर किया गया सम्मानित। जिले में 18 छात्र छात्राओं को टैबलेट और 21,000 रुपए देकर किया सम्मानित। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह, BS जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सफाली सिंह ने सभी विद्यार्थियों को दी बधाई। इधर नववर्ष के अवसर पर मोरवाद क्लब के आयोजकों द्वारा रूसी बैले डांसरों से डांस प्रोग्राम आयोजित कराने के नाम पर भारी धनराशि वसूलने का आरोप लगाते हुए शिवसेना की जिला इकाई ने कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाए जाने की उठाई मांग। इधर अहमदाबाद के रामगंगा बिहार TDI सिटी स्थित गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CDO आनंद वर्धन व नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने पहुंचकर सभी विद्यार्थियों को किया जागरूक। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभा करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। मैनाडेर के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की हुई मौत। मौके से वाहन सहित फरार हुआ वाहन चालक। शवों को पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द किया परिजनों के सुपुर्द। इधर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के किटजी कानून को वापस लेने के बाद उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क की पुरानी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री को संबोधित। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मंडी शुल्क समाप्त किए जाने की उठाई मांग। इधर थाना पाकवाड़ा अंतर्गत चामुंडा मंदिर निवासी शिवम कुमार ने SSP को सौंपा शिकायती पत्र। कहा गांव के दबंगों ने शराब न पिलाने पर किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल शिवम ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। इधर मोरवाद के नगर निगम कार्यालय पर सभी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आवाज की बुलंद। समस्याओं का न हुआ समाधान तो शहर की सफाई व्यवस्था होगी बंद, दी चेतावनी। अहमदाबाद के नगर निगम कार्यालय पर वर्ष 2021 की दूसरी बोर्ड की बैठक हुई आयोजित। हंगामे के बीच पार्षदों ने समस्याओं को उठाया। महापौर विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में शहर की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। नगर निगम अंतर्गत सभी वार्डों के पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं बोर्ड मीटिंग में रखकर समाधान कराने की अपील। नगर निगम बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त संजय चौहान, विधायक हाजी रिजवान कुरैशी के साथ नगर निगम के सभी वार्डों के पार्षद भी रहे मौजूद।